ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया। वहाँ से सीट नहीं निकाल सकती है, वहाँ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से धुतकारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। नहीं नहीं, लालू यादव जी नहीं थे अंदर में, हाँ अभी तेजस्वी जी थे, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी सिंबल को लेकर के या इस तरह की, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। शिवहर से दावेदारी है आपकी? नहीं नहीं नहीं, दावेदारी जैसी कोई बात नहीं है। शिवहर का पूरा माहौल राजद के पक्ष में? हाँ ये तो सही बात है। समर्थक कार्यकर्ता क्या आप चाहेंगे? शिवहर का माहौल लवली आनंद के विरोध में है। शिवहर कभी भी किसी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगा। लवली आनंद जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, वो उनका पहला चुनाव नहीं है। 2009 में भी वो चुनाव लड़ी, 2014 में भी वो चुनाव लड़ी और दोनों ही बार जनता ने उनको चौथे नंबर पे फेंका है और दोनों ही बार उन्होंने 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं किया, चौथे नंबर पे वो रही हैं। तो यहाँ पे तो नीतीश कुमार जी दोस्ती निभा रहे हैं, उस दोस्ती के निभाने के चक्कर में सजा कम कराई, बाहर निकाला, वो दोस्ती के बलि चढ़ा रहे हैं शिवहर को। उन्होंने दोस्ती के कारण ही उनको टिकट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं कि लवली आनंद वहाँ से सीट नहीं निकाल सकती है, वहाँ की जनता ने उन्हें बुरी तरह से धुतकारा है। शिवहर की जनता कभी भी किसी अपराधी को, किसी डीएम के मर्डरर को कभी नहीं अपनाएगी। दबंगतई वह जमाना चला गया जब दबंगई से चुनावें निकाल ली जाती थी, अब ऐसी जनता ऐसे लोगों को पार्टी का जैसा आदेश होगा वो करेंगे, पार्टी का जो आदेश होगा वो करेंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं से भी नहीं जा रही हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा जैसा आदेश होगा वैसे करेंगे।